तो आज हमारा अगर आपको मैंने सेंड की थी आपकी आउटलाइन, ठीक है. सो इन योर आउटलाइन द सेकंड कंटेंट वाज द राइज ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस, ठीक है. क्या आज आपने सेकंड कंटेंट कवर करना है. प्रीवियस टू डेज में हमने जो किया था दैट वाज योर फर्स्ट कंटेंट, ठीक है. जितनी हमने चीजें कवर अप कर ली थी वो फर्स्ट कंटेंट में आती है. नाउ इट्स योर सेकंड कंटेंट, राइज ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस, ठीक है. So let's start. Rise of psychology and science. So science, अगर आपके पास देखें rise of psychology and science में तीन आपके highlighted words, rise, psychology and science, ठीक है. So here the term rise psychology करें हमारे main focus point that is science, ठीक है. आप सब मैट्रिक में साइंस को कवर डिस्कवर करते आए हैं, देन आपने एलएससी में साइंस को डिस्कवर किया है. सो आई थिंक सो नाउ यू आर एबल टू आंसर दैट व्हाट इज मेंट बाय साइंस, ठीक है. तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक मेथड फर्स्टली, ठीक है. अ सिस्टमैटिक मेथड, सिस्टमैटिक मेथड वो मेथड होता है प्रॉपर्ली किसी सिस्टम के तहत चलता है. लाइक उसमें हायरार्की होती है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है. हैपहैज़र्डली कुछ भी नहीं होता, दैट इज नोन एज साइंस. Application of knowledge and understanding of natural and social world is known as science, ठीक है. क्या आप अपनी लाइफ में चीजों को अप्लाई कर रहे हो, तो एप्लीकेबल चीज, आपने जो नॉलेज को सीख किया उसको जब आप अप्लाई कर रहे हैं, that is fall in the category of science, ठीक है. ओके, नंबर वन हमने बात कर ली सिस्टमैटिक मेथड की, ठीक है. फिर हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. नेचुरल वर्ल्ड वो वर्ल्ड होती है वेयर यू आर हैविंग लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन, ठीक है. वो आपकी नेचुरल वर्ल्ड है, आपकी लिविंग चीजें, आपकी जितनी जानदार है लाइक थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो लिविंग में कंसिडर होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में आपकी जितनी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स फॉल करती है लाइक योर ट्रीज, माउंटेन्स, rocks, etc. We fall in the category of natural but non-living forms. Okay. फिर हमने बात की social world की. Social world हमारी वो world है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है. The society or the community in which we are living is known as social world, ठीक है. तो जी बच्चों, हम बात कर रहे थे types of psychology, ठीक है. तो राइज ऑफ साइकोलॉजी कवर द डेफिनेशन ऑफ साइंस, ठीक है. देन साइंस के हम प्रोसीजर पर आ जाते हैं, ठीक है. साइंस का प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपके पास किसी चीज की ऑब्जर्वेशन आती है लाइक इन योर सोसाइटी, इन योर एनवायरमेंट. आप सबसे पहले किस चीज को देखते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है. फिर एक साइंटिस्ट का काम होता है हाइपोथेसिस, कोई इंफरेंस देता है, कोई मकबूजा बनाता है, ठीक है. अपने लिए कोई स्टेटमेंट बनाता है इफ की पॉसिबिलिटी लगा, ठीक है. इफ की पॉसिबिलिटी लगा के वो कोई मकबूजा हाइपोथेसिस बिल्ड करता है, देन ही स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड दैट इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है. आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन ही एक्सप्लेन द फिनोमेना, ठीक है. ही एक्सप्लेन्स द फिनोमेना लाइक कि उसमें क्या चीजें उसने ऑब्जर्व की, किस चीज को टेस्ट करने जा रहा था, आइदर ही इज फुलफिलिंग दैट गोल और नॉट, ठीक है. उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन के बाद वो चीज थ्योरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. इट बिकम्स अ थ्योरी, हम उसको अपनी बुक्स में, अपनी रिसर्च में और इस जगह पे हम उसको एज अ थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है. देन इफ इट इज ट्रू और अनट्रूव तो फिर बात की बात है, whether it comes in the form of law or not, ठीक है. तो ये आपका सारा था साइंटिफिक प्रोसीजर, जिसको हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया, ठीक है. ये मैंने आपके लिए कहने के साइकिल बनाया है साइंस का, ठीक है. ये मैंने आपके साइंस का साइकिल बनाया है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन. आप किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने उसको एक्सप्लेनेशन, आपने उसके थ्योरी की तरह बिल्डअप किया है, हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन और ये सब, ठीक है. मतलब ओवरऑल जो हमने ऊपर बात की है ना कि उसी की फर्दर आप कह रहे हैं, तो बोथ द थिंग्स आर सेम, ठीक है. बोथ आर सेम,
अब हमने साइंस को डिस्कवर कर लिया, साइकोलॉजी को हम ऑलरेडी पिछले 2 दिन से साइकोलॉजी में ठीक है। साइकोलॉजी को साइंस की ब्रांच में क्यों कॉल करवाया जा रहा है, ठीक है। फर्स्टली वी सेड दैट साइंस इज अ ब्रांच इन विच साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं वो सिस्टमैटिक मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको हमने यहाँ सिस्टमैटिक का नाम दे दिया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टमैटिक मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। इस सारी बात को करने के बाद हम एक मैंने यहाँ एम्पिरिकल मेथड, एक हेडिंग आपके सामने है एम्पिरिकल मेथड, ठीक है। एम्पिरिकल मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम अपनी 5 सेंसेस से नॉलेज को परसीव करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से परसीव करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू टेस्ट अ न्यू डिश, ठीक है, आपके सामने एक न्यू डिश प्रेजेंट की गई है, तो आपने उसको टेस्ट किया एंड आफ्टर दैट हम बताते हैं कि आई लाइक इट और नॉट, ठीक है, आपका एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है। इसी तरीके से आपने अपनी 5 सेंसेस से लाइक द स्मेल ऑफ, आप कह लेंगे सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ साइट एंड द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। आपकी ये 5 जो सेंसेस हैं उनसे आप जो कुछ भी परसीव करेंगे, जो भी नॉलेज आपका 5 सेंसेस से आएगा उसको आप कहेंगे दैट इज नोन एज एम्पिरिकल मेथड, ठीक है। तो साइकोलॉजी में भी बच्चों हम जो ये सारी जो इस पे काम करते हैं ना, जो साइकोलॉजी पे वर्कआउट करते हैं अपने किसी भी अपने रिजल्ट्स तक या आउटकम तक जाने के लिए, तो सब कुछ साइंटिफिक मेथड के साथ होता होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब इसमें एक आपका साइकोलॉजिस्ट है जो आप जब वो काम करेगा ना, तो कहीं ना कहीं से अपनी 5 सेंसेस को इम्पीरिकल मेथड के ऑपोजिट एक मेथड होता है क्या है, रैशनल, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इम्पीरिकल नॉलेज ऐसा नॉलेज है रैशनल नॉलेज या रैशनल मेथड, ऐसा मेथड है व्हिच यू डिस्कवर थिंग्स फ्रॉम योर मेंटल लेवल, ठीक है। आप लॉजिक यूज करते हैं, अपना आईक्यू लेवल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द रैशनल मेथड, ओके क्लास। सो यहाँ तक हमने जो अपनी हमारा आज के सेकंड कंटेंट का टाइटल है ना, ओके स्टूडेंट्स, मैं आपकी आसानी के लिए फिर से इसको जो आपने अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसको समराइज कर देती हूँ, तो दैट एनीवन ऑफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ वॉइस या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था तो वो भी आपको कवर अप हो जाएगी जी। राइज ऑफ साइकोलॉजी एज जी, राइज ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस वी वर डिस्कसिंग, फर्स्टली वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ साइंस दैट अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज द सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है, कि हम साइकोलॉजी में कौन से सिस्टम को लेकर चलते हैं, किस तरीके से हम साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज का जो आपका कंटेंट है दैट इज द राइज ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस, यू हैव टू प्रूव दैट साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन द ब्रांच ऑफ So, we discussed about empirical method and rational method. In science, firstly, you observe empirical method, but I think so rational method is also important in this because आप कुछ चीजें अपनी 5 सेंसेस पर ठीक करके फाइंड आउट करते हैं और कुछ चीजों को आप रैशनली अपने माइंड के अकॉर्डिंगली अपने मेंटल कैलिबर के अकॉर्डिंगली परसीव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने साइकोलॉजी को ऐसे साइंस देखना है और साइंस हमेशा कुछ ना कुछ मेथड्स के अकॉर्डिंगली चलती है, किसी सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली चलती है, उस अप्रोच को आज हम फॉलो करते हुए साइंस इसको साइकोलॉजी को साइंस के तौर पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ओवरऑल आपका ये चीज है कि आप जिस जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी कैटेगरी में जो फॉलो करता है दैट इज रिसर्च मेथड्स, ठीक है। रिसर्च मेथड को हम We have the next one is research science.
These are the research methods according to which any one of the psychologists or researchers follow these methods to prove that psychology is a science. Okay, रिसर्च मेथड हमारे पास होते हैं कि हमने अपनी किसी भी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, व्हाटसोएवर जो भी हमारा टॉपिक ऑफ टॉपिक है हमारा रिसर्च का, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको डील करने के लिए हम रिसर्च मेथड्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, रिसर्च मेथड को आप कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ प्लान फॉर यू. ठीक है, आपके लिए ये मैप है, अ काइंड ऑफ मैप. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी ऑफ यू वांट्स टू गो टू लाहौर, ठीक है, तो आप हमेशा अपने लिए प्लान आउट करते हैं ना कि आइदर वी आर गोइंग टू लाहौर थ्रू मोटरवे और थ्रू जीटी रोड. ठीक है, तो हम सोचते हैं, पहले हम प्लान आउट कर लेते हैं कि मोटरवे के जरिए जाया जाए या जीटी रोड को चूज किया जाए. ठीक है, तो जो रिसर्चर होता है, जो कोई भी पर्सन है जो अपने काम को सिस्टमेटिकली डील करने लगा है, ही इज ऑल्सो हैविंग सम प्लान्स. ठीक है, जिनको वो फॉलो करने की कोशिश करता है. सो इन साइंस देर आर सम प्लान्स विच आर नोन एज रिसर्च मैथड्स. इन मैथड्स को देखते हुए, इन मैथड्स के अकॉर्डिंगली कोई भी रिसर्चर जो होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है वो चलता है. ठीक है, ये मैथड्स आपके फॉलो करेंगे साइकोलॉजी को एज ए साइंस प्रूव करने के लिए. ठीक है, सो पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कितने टाइप्स की रिसर्च होती है. ठीक है, वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च. नंबर वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च, नंबर टू इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जो थर्ड वन है उसे मिक्स्ड मेथड्स कहते हैं. ठीक है, लाइक उसमें रिसर्चर क्वालिटेटिव के भी कुछ एस्पेक्ट्स यूज कर लेता है और साथ क्वांटिटेटिव के भी कुछ एस्पेक्ट को यूज करता है. ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी होती है क्वालिटी बेस्ड. ठीक है, लाइक इसमें आपके पास अल्फाबेटिकल डेटा होता है. ठीक है, अल्फाबेटिकल डेटा इस सेंस में कि यहाँ आपके पास क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ का मीन जो अराइज होता है ना, क्वेश्चन को व्हाई एंड हाउ का होता है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि किसी का टेस्ट है, ठीक है, हमने उसको चेक किया, उसको रिमार्क दिए, अब उस रिमार्क में दे दी उसको, लाइक फॉर एग्जांपल गुड, बैड, पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, ये आपके आते हैं क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चे को क्वालिटी वाइज को एनालाइज किया है. अगर मैं उसी बच्चे को मार्क्स दे दूँ 10 out of 8 या कुछ इस तरह 50/50 या व्हाट्सएवर, जब उसको मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंगली या मैं उसको अगर परसेंटेज दे रही हूँ कि लाइक ही सिक्योर 90%, 80%, इस डेटा को कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, ये आपका आएगा क्वांटिटेटिव डेटा. और जो मिक्स्ड मेथड होता है उसमें दोनों अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि द बेस्ट वन मेथड इज मिक्स्ड मेथड, क्योंकि ना ही कोई रिसर्चर प्रॉपरली क्वालिटी पे रिलाई करता है कि वो हर चीज अपनी क्वालिटेटिव मेथड से लेकर चले, ना ही कोई रिसर्चर प्रॉपरली क्वांटिटेटिव डेटा पे रिलाई करता है. ठीक है, सो द मोस्ट इजीएस्ट वन इज मिक्स्ड मेथड्स. तो अब ये मैंने आपको टाइप्स बता दी रिसर्च की. ठीक है, अब हम प्रॉपरली मेथड्स पर आते हैं. हियर आई हैव रिटन 6 मेथड्स इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, सर्वे, फोकस ग्रुप एंड इंटरव्यू. ठीक हो गया बच्चों, तो द वेरी फर्स्ट वन मेथड इज क्वेश्चनेयर. क्वेश्चनेयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइडेड टू द रिस्पोंडेंट बाय द रिसर्चर. ठीक है, जो हमारा रिसर्चर होता है वो कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट जो होती है वो प्रोवाइड कर देता है रिस्पोंडेंट. आपने देखा होगा या मे बी आपने अपने बड़े बहन भाइयों के कभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चनेयर्स देखे हों, तो उनको कुछ परफॉर्मेंस मिलते हैं फिल करने के लिए. वहाँ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है और वहाँ उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आपने अपने आप कह लें कि आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली फिलअप करना होता है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्वेश्चन की बात करें तो हम आजकल अगर कोरोना इशू से बात करें तो हम आपके घर में कोई क्वेश्चन देखता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कोरोना स्प्रेडिंग, या आप कह लें कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या इसको कैसे रोका जा सकता है, व्हाट इज द डाइट फॉर कोरोना पेशेंट. ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जिनके आपने आंसर्स करने हैं, दैट इज क्वेश्चनेयर. और इसमें कोई बाउंडनेस नहीं होती एक क्वेश्चनेयर किस टाइप का. ठीक है, हाँ ये आसानी जरूर है कि क्वेश्चनेयर्स में सम टाइम आपके पास आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज प्रोवाइड करके जाते हैं, सम टाइम आपने खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चनेयर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप. ठीक है, जिसमें एक हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज एंडेड. ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास खुद के पास चॉइस होती है, यू हैव टू आंसर दैट. ठीक है,
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन दी हुई है आपको, लेकिन वो फिल आपने उसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है वो किसी जगह पे जॉब इंटरव्यू के लिए गया है, ठीक है. तो उससे पूछा गया है कि आप अगर हम आपका ट्रांसफर करें तो कहाँ करें, लाइक अगर हम आपको कहीं आपका ट्रांसफर कर रहे हैं तो इन विच सिटी यू वॉन्ट्स टू गो ना. तो अगर वो खुद से बता रहा है कि मैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची कहीं भी जाना चाहता हूँ, तो ये उसने कौन सा फॉर्म चूज की है, उसने ये उसने चूज की है ओपन एंड, उसने अपनी मर्जी से चूज किया, ठीक है. लेकिन अगर उसी पर्सन को जिसको कंपनी वाले हायर कर रहे हैं कि आपका प्लेस ऑफ ट्रांसफर कौन सा चूज करें, और उसके सामने तीन उसको ऑप्शन प्रेजेंट करें, ठीक है, और फिर उन तीन ऑप्शन में से वो जो एक सिलेक्ट करेगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. क्लियर? द सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन होती है किसी चीज को ऑब्जर्व करना. आप, मैं, हम सब जिस भी जगह पर हम कहीं भी चले जाएं ना, तो हमारी फर्स्ट चीज ऑब्जर्वेंस होती है. हम हर चीज को पहले देखते हैं, ठीक है, हम उसको अपने एंगल से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. कभी कभी हम उन चीजों के बारे में ओपिनियंस भी दे देते हैं फॉरन से कि अच्छा मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है ये, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम लेटरली आपको पता चलता है बाद में कि नहीं, जो हमने उस टाइम पे फॉरन से अपना हिस्ट्री ओपिनियन दिया है ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है. सिचुएशन वुड बी चेंज आफ्टर सम टाइम, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन आपकी रिसर्च में कैसे कॉल करती है, रिसर्च मेथड्स में, कि हमने यहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि हम यहाँ एज ए साइकोलॉजिस्ट डील कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को आप कह रहे हैं कि डिस्कवर कर रहे हैं. तो साइकोलॉजी में अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेगा. ऑब्जर्व कैसे करेगा, उसको एपरेंटली उसका जनरल बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा, वो दिखने में कैसा है, उसकी गुफ्तगू कैसी है, हाउ ही टॉक्स, ठीक है, वो बात कैसे करता है, इस तरह की सारी चीजें की ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन की आपके पास टू टाइप्स होती है, ठीक है. एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आपकी ऐसी होती है जिसमें आपका रिसर्चर जो है वो खुद को उस रिसर्च में इन्वॉल्व कर लेता है, वो उसका मेंबर बन जाता है, ठीक है. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें आपका रिसर्चर उसका पार्ट नहीं बनता, ठीक है. और मैंने आपको सोशियोलॉजी में भी आपने ये ओवरऑल पूरा चैप्टर पढ़ा था रिसर्च मेथड्स के नेम से, ठीक है. सो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट दीज थिंग्स. हमने कहा था कि ऑब्जर्वेशन में कभी कभी रिसर्चर आपको बताकर आपकी रिसर्च में आता है, कभी बगैर बताया जाता है. लेकिन अगर बगैर बताया आएगा तो वो जो आपका रिस्पॉन्स होगा ना, तो उसके रिस्पॉन्डेंट्स का, दैट वुड बी नेचुरल, ठीक है, उसमें कोई प्रिटेंशन नहीं होगी. लेकिन अगर कोई बंदा आपको बताकर आ रहा है कि हाँ जी आज मैंने पूरा एक दिन आपके साथ स्पेंड करना है, मैंने आपको जज करना है, आपका बिहेवियर देखना है, तो यहाँ जो आपके आएंगे ना आंसर या आपका रिस्पांस आएगा वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि अच्छा ये बंदा है जज करने आया, तो उन्हें बड़ा अच्छा डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड वे में बिहेव करना है, ठीक है. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड वन. थर्ड वन होती है जी केस स्टडी. केस स्टडी में हमने कल भी बात की थी कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो अपने लिए एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेता है, कि मतलब उसका वो केस है, एक डॉक्टर है या एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट आया है वो उसका केस है, ठीक है. सेम इज द केस विद द पुलिस डिपार्टमेंट, के जिस तरह किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस स्टेशन में जब किसी के पास केस आता है रिलेटेड टू एनी रॉबरी और मर्डर व्हाटसोएवर, तो वो उनका होता है कि अब उनका काम है उसको जज करना, उसके बारे में काम करना, उसकी उसको वहां तक ऐसी कंक्लूजन तक लेकर जाना कि अब उसे पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा या जस्टिस मिलेगा, ठीक है. तो जो डॉक्टर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास भी केस स्टडी की क्या है कि उसके पास जो उसका पेशेंट है, जो उसका रिस्पॉन्डेंट है, वो उसको जज करेगा, उसको स्टडी करेगा, उसकी हिस्ट्री तक जाएगा, ठीक है. उसकी हिस्ट्री तक कैसे जाएगा, ही स्टार्टेड फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ दैट पर्सन, ठीक है. वो उसके स्कूल तक जाएगा, उसके टीचर से कांटेक्ट करेगा, उसके रिलेटिव से पूछेगा, उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे पूछेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता था मे बी वहां तक भी वो जाए. लाइक आप कह सकते हैं कि केस स्टडी इज अ टाइप ऑफ मेथड इन विच प्रूफ्स आर गैदर्ड, ठीक है. सबूत इकट्ठे किए जाते हैं कि हम जो केस स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें प्रूफ तो मिले, हम खुद से कोई अजम्पशंस ना लगा लें, दैट इज नोन एज केस स्टडी. ओके क्लास, और इसे शॉर्टकटली मैंने आपके पास लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द पर्सन.
क्लियर हो गया, उसकी सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाती है, उसने अपनी लाइफ में जो मेडिसिन ली हैं, जिन जिन डॉक्टर्स के पास वो ऑलरेडी इलाज करवा चुका है, या जिस जिस जगह पे उसने जो जो इंसिडेंट्स फेस किए हैं, आइदर द हैप्पी वन इंसिडेंट्स और आइदर द टेरिबल इंसिडेंट्स, ठीक है, ये सब कुछ केस स्टडी में फॉल करता है। द फोर्थ वन कैटेगरी इज सर्वेस, ठीक है, सर्वेस, ठीक है, सर्वे होता है, आपने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि सर्वे किया जाता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल सेंसिस की दे देती हूँ, मर्दमशुमारी, ठीक है बेटा, मर्दमशुमारी का जी आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके पास अभी रिसेंटली 2017 में मर्दमशुमारी हुई है ना, लास्ट मंथ सेंसिस 2017, तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर आकर कुछ लोगों ने बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, ठीक है, लाइक आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो सब आपको पता है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। तो वो जो घर घर आके जो इंफॉर्मेशन ली है, जो विजिट्स किए हैं अथॉरिटेटिव पर्सन ने, या जिनको असाइन किए गए थे, इस प्रोसेस को कहते हैं सर्वे, ठीक है, कि आपने सर्वे किया है। अब सर्वे किस सेंस में किया है कि आप वहाँ, जिस तरह मैंने आपको मर्दमशुमारी के एग्जाम्पल, लोग वहाँ जाते हैं कंसेंसस के लिए, वो आपकी जी स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग सर्वे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कुछ रिस्पॉन्डेंट्स, कुछ असाइंड अथॉरिटी आपके घरों तक, या जहाँ भी उनका सोर्स है, उन्होंने वहां जाना होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, दैट इज सर्वे। आपने अक्सर रोड शोज भी देखे होंगे, जो रोड शोज लगते हैं ना, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्वे। आपने देखा होगा वो जो होस्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कुछ ना कुछ मटेरियल, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंगली क्या है, ये वो रिसेंट है, लोगों की राय ले रहे होते हैं, ओपिनियन ले, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिसर्च मेथड व्हिच इज नोन एज सर्वे। द फिफ्थ वन ग्रुप इज फोकस ग्रुप, ठीक है, फोकस किसे कहते हैं, अटेंशन ग्रुप, अटेंशन दी जा रही हो, उस पर तवज्जो दी जा रही हो, वो फोकस है, ठीक है। तो यहाँ ना लोग जो आपका साइकोलॉजिस्ट है या जो सर्जन है, वो सिलेक्ट कर लेता है जी आपके पास एक ग्रुप, ठीक है, फोकस ग्रुप इज द टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं फोकस ग्रुप इज जस्ट लाइक सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, जितना आपके पास एक होल बड़ी पॉपुलेशन है ना, तो कोई भी रिसर्चर कभी भी एक बड़ी पॉपुलेशन से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकता, ठीक है, वो कभी भी डेटा इतने ज्यादा बड़े सोर्स से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकता। सो देयर इज द सिंपलेस्ट मेथड व्हिच इज नोन एज सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, वो अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी विशेष के अकॉर्डिंगली कुछ एरिया सिलेक्ट कर लेता है, कुछ लोग सिलेक्ट कर लेता है, कोई ना कोई क्राइटेरिया कुछ सिलेक्ट कर लेता है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो फिर अपनी रिसर्च को आगे लेकर चलता है। तो इसी सैम्पलिंग टेक्निक को भी आप रिसर्च मेथड में फोकस ग्रुप कहते हैं, कि वो अपने सामने एक ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने एजुकेशन पे रिसर्च करनी है या स्कूल्स पे रिसर्च करनी है, तो फॉर एग्जांपल इफ अ रिसर्चर इज देयर, तो वो मे बी कह लें कि अगर यहाँ सरगोधा में, सरगोधा सिटी में जितने स्कूल्स हैं, तो अब वो सबको अप्रोच नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम इश्यू आ जाता है, आपका मनी इश्यू आ सकता है, ठीक है, आपका ट्रैवलिंग इश्यू आ सकता है, काफी ढेर सारी चीजें इसमें फॉल करती हैं। तो वो क्या करेगा, वो अपनी आसानी के लिए वो कहेगा कि अच्छा मुझे ये वाले इंस्टीट्यूट नियरेस्ट लग रहे हैं, तो मैं क्यों ना यहाँ से जाके अपना डाटा कलेक्ट कर, ठीक है, तो उस चीज को हम कह देंगे कि वो उसने फोकस ग्रुप चूज किया है, कि उसने सब कुछ छोड़कर कुछ स्पेसिफिक चीजों को चूज कर लिया है कि वो अब उस पे फोकस करेगा, और उस सब का जब रिजल्ट आएगा वो दूसरों पर भी इम्प्लीमेंट कर देगा कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ ऐसा है तो प्रोबेबली दूसरी जगह पर भी ऐसा होता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फर करना है ना, ठीक है। सो द लास्ट वन इज इंटरव्यूज, इंटरव्यूज आपको पता है, इंटरव्यू आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक
इंटरव्यू बेसिकली आप कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग एंड काउंटर क्वेश्चनिंग, ठीक है, मतलब सवाल और जवाब आपसे किए जाते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन को उगलवाया जाता है कि हम आपसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इसका आंसर दें। इंटरव्यूज में आपके पास प्लैंड इंटरव्यूज भी होते हैं और अनप्लैंड भी होते हैं, ठीक है, मतलब इसी प्लैंड को आप स्ट्रक्चर्ड कहेंगे और जो अनप्लैंड इंटरव्यूज हैं उसको आप नॉन स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कहेंगे, ठीक हो गया। तो प्लैंड जो होते हैं उसमें तो आपका रिसर्चर है, इसकी एग्जाम्पल आप इंटरव्यूज की ले लें, कहीं भी आप जब जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, व्हेन यू अप्लाई समवेयर फॉर जॉब, जब आप उस जगह पर जॉब के लिए जाते हैं तो यू फोकस दैट सम टाइम योर इंटरव्यू इज इन द फॉर्म ऑफ प्लैंड स्ट्रक्चर एंड सम टाइम योर इंटरव्यू इज इन द फॉर्म ऑफ अनप्लैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लान में ये होता है कि जो आपका इंटरव्यू ही है ना, जो आपसे इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, उसके पास क्या होता है जी कि उसने अपने पास कुछ लिस्ट लिख रखी होती है क्वेश्चन की कि अच्छा मेरे पास क्वेश्चन जब आएगा तो मैं उससे ये क्वेश्चन को उससे पूछ लूंगा, ठीक है, कि लाइक मैं सबसे पहले उसकी बायोग्राफी थोड़ी बहुत पूछ लूंगा, लाइक उसका फैमिली बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, फिर मैं उसके एजुकेशन बैकग्राउंड पर जाऊँगा और फिर मैं जो यहाँ जॉब के लिए कुछ क्वेश्चन वैलिड बनते हैं मैं उससे वो पूछूंगा, दैट इज नोन एज प्लैंड इंटरव्यू। लेकिन अनप्लैंड होता है कि वो खुद से ही गप शप की फॉर्म में इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, मतलब बातों बातों में, उनके सामने कोई ऐसे नहीं होती, दे हैव टू फॉलो दैट पैटर्न, ठीक है, बस वो रैंडमली जो उनके माइंड में या दूसरा एक इंटरव्यू का पैनल बैठा हुआ है, इंटरव्यू लेने वाला पैनल बैठा हुआ है, सब अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, दैट इज नोन एज द अनप्लैंड, ठीक है बच्चों। सो दीज आर ऑल सिक्स टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स और इन्हीं रिसर्च मेथड्स को आप डेटा कलेक्शन टूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन टूल्स आप किस सेंस में कहेंगे कि इन्हीं टूल्स की हेल्प से आपने अपना डेटा इकट्ठा करना है, अगर ये टूल्स ना होते तो यू आर अनएबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, क्वेश्चनियर ना होता या ऑब्जर्वेशन टेस्ट ना होते, केस स्टडीज ना होते, सर्वेस ना होते, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है, ये जितनी हमने टाइप्स को एक्सप्लोर किया है ना आज, अगर ये ना होती तो डेटा कलेक्शन का जो मीन था, जो मेथड था, जो प्रोसीजर था, वो डिफिकल्ट हो जाना, ठीक है, वी आर अनएबल टू कलेक्ट वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसको पूरा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, राइज ऑफ साइकोलॉजी से, और ये आपके लिए चैप्टर नंबर 1 का सेकंड कंटेंट बनता है, राइज ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, आपने प्रूव करना है साइकोलॉजी को एज अ साइंस, फर्स्टली यू स्टार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक मैथड, ठीक है, देन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल मैथड एंड रैशनल मैथड, ठीक है, आफ्टर दैट यू गो टू द रिसर्च मैथड्स और द डेटा कलेक्शन, ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे, आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी हो गई, ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई हो कि अगर कोई वॉइस इंटरप्शन इशू था मे बी वो भी रिजॉल्व हो चुका हो। सो दैट्स द लास्ट क्लास ऑफ टुडेज टुडेज वीक, ठीक है, ये हमारी इन दिनों के इस वीक की लास्ट क्लास बनती है, ठीक है, सो अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपको मैं इसी का थर्ड कंटेंट स्टार्ट कराऊंगी एंड दैट इज द फाइनल कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो होम टास्क आपने क्या प्रिपेयर करना है, जितना आपने पढ़ लिया है ना आपने उस सब को रीड आउट करना है, और जो मैं आपके ग्रुप में कुछ स्लाइड सेंड करूंगी यू हैव टू रीड देम, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज का। मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम, आई हैव अ क्वेश्चन मैम। जी जी यू कैन आस्क। वेल मैम देयर इज अ टर्म बिफोर द टॉपिक psychology as a science, the term is psychodrama. Ma'am, I don't have the definition of the term psychodrama, ma'am. But the psychodrama, jo aapki ye literary term hai, psychodrama is aapki ye matlab main aapki ki aapki literature se aati hai. Yahan you are having your notes? Yes, ma'am, I have some notes and I have this term in it, but I do not have its definition in it.
साइकोड्रामा बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें आपकी जो लाइक आपकी जो रूटीन वर्क है उसको साइकोलॉजिकली जब प्रिडिक्ट किया जा रहा है या डिपिक्ट करवाया जा रहा है, दैट इज साइकोड्रामा। ठीक है, तो अब आप इसका मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट सेंड कीजिएगा ताकि मैं कॉन्टेक्स्ट को देख कर पढ़ूंगी कि कॉन्टेक्स्ट में ये कहाँ फॉल करता है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन मैम, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज जी मैम। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हैज समथिंग टू डू विद द सबकॉन्शियस मैम। जी जी बिल्कुल, सबकॉन्शियसनेस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज हैविंग अ रोल। हमने बात की थी कि जब आपकी कुछ प्रीवियस इंसिडेंट्स होती हैं, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन होती है जिनको आप रिकॉल कर रहे होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज बेसिकली अ कॉन्स्टेंट ट्रेन ऑफ थॉट्स। ठीक है, सोचों की एक प्रॉपरली ये ट्रेन है कि आप खुद, हम सब आजकल के मॉडर्न एज में सब लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फेस करते हैं। हम बैठे बिठाए फ्यूचर में चले जाते हैं, हम बैठे बिठाए पास्ट में चले जाते हैं, रादर वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो इस पूरे मेथड को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। जी एनी अदर? थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू।